तो भैया जी, राइट नाउ इट्स 4:38 एंड एज यूजुअल डेली रूटीन ऐसे ही डेली ब्लॉग। भैया थोड़ा सा तुम पीछे जाओगे तो मजा आ जाएगा। हमारे दिल लोकेशन पे स्टैंड को दिखाते हुए जख्म निकाले, धूप में रहते थे काले हो गए, सिर्फ आंख दिख रहा है। कैन यू कमेंट इट डाउन बिलो कि ये कौन सा जीव है? हमको तो समझ में नहीं आ रहा, तो आप जरा कमेंट करके बताइए ये कौन सा जानवर लग रहा है आपको। भैया जी, बैल के पेट को क्या हो गया? पूरा स्पेरिश हो गया, कुछ अजीब खा लिया क्या? भैया जी सोचिए, एक जगह रहते रहते बोर हो गए हैं, आप भी देखते देखते बोर हो गए होंगे। एक ही जगह जाता है आदमी, तो हम बदल नहीं सकते। बेचारा सा हमारा कुंडली में राहु की तरह सब बैठा हुआ। अभिषेक भैया जी, एनी आइडिया व्हाट्स हैपनिंग है? जगारी सब बस बेटा, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये बिल्ली मिल जाए तो 5,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में कलर कैसे पता चलेगा? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। अभी विवांशु भैया ने फोन किया था, लगता है देवघर आ चुके हैं और हमारे घर पे लैंड भी कर चुके हैं। काफी दिनों के बाद वो लंबा टूर करके आए हैं भैया, इसी केस में रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग एंड क्या क्या स्पोर्ट्स करके आए हैं। उसमें से कुछ हमारा भी ड्रीम स्पोर्ट्स है। का साथ रहा, इन लोग का सैलरी आ गया ना, तो हम जरूर इनका सैलरी पे ऐसा करने एक बार जरूर जाएंगे। सब बस बेटा, बहुत बढ़िया। अभी फिलहाल हम जहाँ पे हैं वहाँ से बाई की ओर 0.6 किलोमीटर जजाही मोर और 0.6 किलोमीटर तिवारी चौक है। वेलकम टू माई व्लॉग। बताइए सरकार, आपको ऐसे कैसा लग रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। ऋषिकेश में पूरा रिवर राफ्टिंग करके कैसा आनंद आया? बंजी जंपिंग किया? नहीं सच सच बोलना, मिस हो गया। चल झूठा, कुछ नहीं, राफ्टिंग के अलावा कुछ नहीं कर। ऋषिकेश गया, राफ्टिंग नहीं किया ना, मैंने बेकार हो गया जाना तुम्हारा। अब विवांशु भैया अपने हरिद्वार की कुछ कहानियां सुनाने जा रहे हैं, तो आप भी एंजॉय कीजिए और हम भी एंजॉय करते हैं। सबसे पहले तुम्हारा इधर से दिल्ली गए, ठीक है? अरे भैया तो पहले, अरे भैया चला तुम भी दिल्ली से, वो लोग कैब बुक कर लिए और सीधा पहुंचे सबसे पहले, और कैब से हरिद्वार गए। हाँ, लोग ऋषिकेश गए पहले, ठीक है? बीच में हरिद्वार लगभग की आरती देखने के लिए, संध्या आरती के लिए रुके। उसके बाद फिर आरती के बाद हम लोग वहाँ चले गए जहाँ ऋषिकेश में होटल बुक था, वहाँ गए। रात भर वहाँ स्टे किए, सुबह उठा, ट्रेकिंग की हम लोग पहले वहाँ के गांव में घुसे तो एक लाड़ी से अपना वो काट रहा था, लकड़ी काट रहा था। बोलता है क्या आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इधर से रास्ता नहीं है। हमने बोलो एक्चुअली हम लोग बोले कि गांव में घुस गए, क्या इधर से, इधर कोई रास्ता नहीं है, ऐसे करके बोला। फिर वो बोलता है ऐसे आप लोग आ जाते हैं, हम लोग बड़ा बड़ा कुत्ता रखता है, हम लोग पूरा डराता है। उसके बाद पूरा एकदम मस्त सीन भी हुआ, चलो था घर से, चलो ना घर पहुँचते हैं, फिर आगे स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा। वेरी गुड स्टोरी टेलर। तो घर पहुँचते हैं, फिर विवांशु भैया की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। एक्चुअली हम इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब है क्या पता है? हम अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं कि ऋषिकेश जल्दी से जल्दी जाया जाए और इसको लेके जाया जाए, ताकि ये वहाँ का आप लोकल बंदा हो। बिकॉज ये रास्ता बताने में बड़ा मस्त है। आ चुके हैं और अब कहानी को आगे कंटिन्यू किया जाता है। उसके बाद फिर क्या हुआ ना कि हरिद्वार हम लोग संध्या आरती देखे, अंधेरा हो गया, वहां से फिर हम लोग अपने होटल के लिए निकले। वो ऋषिकेश में था, होटल का नाम था, चलो वो प्रचार हो जाएगा, नहीं बताएंगे। कुछ देता तो फिर सोचते नहीं आएगा। वहाँ का लोग सब कोई तुमको मोटा मिलेगा नहीं, सब एकदम दुबला पतला। जब भी वो लोग क्या गाड़ी से आता है ना, तो इंजन ऑफ करके उतरता है पहाड़ से, बस चढ़ाते समय उन लोग का इंजन में थोड़ा पड़ जाता। एक भी ऐसा आदमी को हम नहीं देखे उस गांव के कि जो तुम्हारा इंजन ऑन करके नीचे उतरता हो, सब इंजन ऑफ करके नीचे उतर रहा था वहाँ, ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग रास्ता भटक गए, ठीक है? क्योंकि अब फिर हम लोग आगे बढ़ के थोड़ा आगे बढ़ गए, तो हम लोग GPS लगाए हुए थे, वही अच्छा दिमाग वाला काम किए, वहां दिखा रहा था गलत है। उसके बाद फिर क्या हुआ, हम लोग वापस आए तो वो रास्ता फिर हम लोगों ने दिखा कितना सगरा था रास्ता। फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर वापस आए, लेकिन इस बार हम लोग बोले नहीं अब जो होगा इसी में चलो।
उसमें चले गए, फिर जीपीएस भी दिखाने लगा कि हाँ ठीक जा रहे हैं। 7:45 के आसपास हम लोग पहुंचे। नवंबर था तो नॉर्मल ठंडा था। गए सुबह हम लोग जब बाहर निकल के आराम से एक मजलिस लगाया, पूरा बातचीत बढ़िया, एकदम बढ़िया बढ़िया बातचीत चल रहा है, इसका चुटकुला उसका चुटकुला सब सुना रहे हैं, सब खुश था, ठीक है। क्योंकि पूरा पहाड़ पे रात के समय जब एकदम सब शांत रहेगा ना, सुनसान टाइप का, वो डर लगेगा, क्या है पता नहीं, वहां सबको डर लगता है, मैंने और सुबह के टाइम इतना अच्छा लगेगा सुबह के टाइम में कि तुमको उतरने का आने का मन ही नहीं करेगा, मन क्या वही बस जाए। पूरा एकदम बादल चल रहा है पहाड़ के बीचों बीच से, गंगा नदी ऊपर से गिरने का आवाज पूरा आ रहा है, वहाँ बहुत सारा झरना भी था, झरना का आवाज आ रहा है, गंगा नदी के कल 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 वाला जो पानी वाला वो मस्त है। उसके बाद फिर सुबह उठे, ब्रश व्रश किए, थोड़ा सा हम लोग ट्रैकिंग पे निकल गए। सब हम लोग नहीं निकले, हम भैया और लल्लू, हम तीनों निकल गए ट्रैकिंग पे। ट्रैकिंग करके आए, वही गांव वाला इंसिडेंट जो तुमको उस वक्त बताई थे वो हुआ। उसके बाद आते के साथ वो जो वहां का ओनर था वो कॉल कर दिया इसको, राफ्टिंग वाले को। हम लोग से पूछा भैया आप लोग राफ्टिंग भी करेंगे क्या? हाँ भैया वही तो कहते हैं, कैसे छोड़ देंगे। फिर तुरंत राफ्टिंग वाले को फोन किया, राफ्टिंग वाला अपना वहां पे खुद अपना वैन लेके आएगा। वैन लेके आया, उस पर बोट भी बांध के लाया, ठीक है, जिस बोट से हम लोग राफ्टिंग करने वाले थे। और यूजुअली वहां क्या होता है ना कि 8 लोगों को बुक करते हैं वो लोग, एक राफ्ट पे 8 लोग रहेंगे प्लस वो लोग 2 लोग रहेंगे। रिजनेबल रेट था, 700 रुपए पर पर्सन लिया हम लोगों को, और लगभग 16 किलोमीटर हम लोग राफ्टिंग करवाए। 3-4 कैटेगरी का, 16 था, 21 था, फिर 53, इस तरह का कुछ कुछ था। तो सबसे कम वाला मिनिमम वाला 16 था, तो हम लोग 16 वाला किए। इसी तरह का सीन सब रहता है, मैंने स्कूल जाओगे ना चारों तरफ से पहाड़ दिखेगा, आगे नदी जा रही है। That's called adventure. आप स्टोरी सुन के इमेजिन कर सकते हैं अगर आप वहां रहते तो आपको कैसा महसूस होता है। तो ठीक है, अब चलो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग रिपोर्ट वहाँ जहाँ पे वो लोग का स्टार्टिंग पॉइंट था ना, वहाँ पे ब्रीफिंग किया। उसके बाद फिर गंगा मैया की जय बोल के हम लोग को चढ़ा दिया, ठीक है। जिंदगी में पहली बार कर रहे थे तो थोड़ा डर था, थोड़ा एक्साइटेड तो बहुत, थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि क्या पता क्या होगा। और जब वो आता था ना भाई, वो वेव पूरा उसमें भाई डर भी लगता था और मजा भी आता था, बहुत मजा आता था। जब नीचे जाता है तब लगता है हाँ, जैसे वो बड़ा जायंट व्हील में कैसे फील आता है ना, उस तरह का फील आता था, उससे भी बहुत लाख गुना बेहतर फील, बहुत मजा आया। उसके बाद फिर हम लोग वापस से अपने ये राफ्ट पे चढ़ गए। कहते कहते हम लोग वहां पे वो लक्ष्मण झूला है वहां पे जाके स्टॉप कर दिया, फिर जिसको चेंज करना था चेंज किया, राफ्टिंग वाले को पैसा दिया, फिर हम लोग वापस चले गए। वापस जाना है तो फिर हम लोग वहां से वापस हरिद्वार आए और हरिद्वार में स्टे That's it for today. Hope you enjoyed this short and simple vlog. और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। और जब हम ऋषिकेश जाएंगे तो ऐसा कुछ एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा और हम भी साथ में जाएंगे और राफ्टिंग राफ्टिंग तो करना ही करना है। अब अगली बार बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग बंजी जंपिंग तो मेरा फिक्स है और राफ्टिंग फिक्स है। इंडिया में बंजी जंपिंग बस मेरे ख्याल से एक ही जगह पे होता है, एक और जगह है लेकिन फेमस है ऋषिकेश। भैया जी अब भैया जी को अलविदा कहते हैं एंड आपको कहानी कैसा लगा कमेंट करके बताना। और ऐसे और भी कहानियां इनके पास बहुत सारी पड़ी हुई है। 3-4 व्लॉग तो पार हो जाएगा। बाय।